मैं डॉक्टर संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, विषय समाजशास्त्र, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज हम कार्ल मार्क्स के वर्ग व वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के बारे में परिचर्चा करेंगे। मार्क्स ने जो वर्ग व वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया, मार्क्स के अनुसार इतिहास में अब तक जितनी भी सामाजिक व्यवस्थाएं रही हैं उनमें संपत्ति का वितरण और समाज का वर्गों एवं श्रेणियों में विभाजन इस बात पर निर्भर रहा है कि समाज में क्या और कैसे उत्पादन हुआ तथा उपज का विनिमय कैसे हुआ। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक व धार्मिक नहीं मानता, बल्कि वर्गों का आधार आर्थिक मानता है। मार्क्स लिखता है कि सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित श्रेणियों दोनों ही हैं। मार्क्स ने वर्ग की अवधारणा का उल्लेख वर्ग संघर्ष की व्याख्या के दौरान किया है। मार्क्स का मानना है कि मानव इतिहास में मानव समूह सदैव ही संघर्ष रहे हैं। इन संघर्ष मानव समूह को ही आप वर्ग कहते हैं। रेमंड एरन कहते हैं कि मार्क्स ने वर्ग की कहीं भी स्पष्ट व्याख्या नहीं की है, किंतु उनकी कुछ विशेषताओं का अवश्य उल्लेख किया है। वर्गों की एक विशेषता यह है कि उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, शोषक वर्ग तथा शोषित वर्ग, जो कि परस्पर एक दूसरे के विरोधी हैं। इनकी दूसरी विशेषता यह है कि इनकी प्रवृत्ति दो ध्रुवों के केंद्रीकरण की है। इस प्रकार मार्क्स सभी समाजों का विभाजन दो वर्गों में करते हैं जो परस्पर संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स के अनुसार समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति तथा दूसरा श्रमिक। पूंजीपति वर्ग को उन्होंने बुर्जुआ वर्ग तथा श्रमिक वर्ग को उन्होंने सर्वहारा वर्ग कहा। इन वर्गों के उत्पन्न होने का प्रमुख कारण आर्थिक है। एक वर्ग बुर्जुआ के हाथ में संपूर्ण उत्पादन प्रणाली है और दूसरा इन साधनों से रहित है। मार्क्स द्वारा इन वर्गों के संघर्ष पर अत्यधिक जोर दिया और जोर दिए जाने के कारण ही उनके समाजशास्त्र को वर्ग संघर्ष का समाजशास्त्र कहा जाता है। ऐतिहासिक नाटक में और विशेष रूप से पूंजीवाद में वर्ग ही प्रमुख पात्र हैं। वर्ग संघर्ष इतिहास को गति प्रदान करने वाली शक्ति है। मार्क्स की कृति दास कैपिटल के तीसरे खंड के अंतिम अध्याय में, जिसका शीर्षक सामाजिक वर्ग रखा गया है, में मार्क्स ने वर्ग की व्याख्या की है। इस अध्याय में मार्क्स ने तीन वर्गों का उल्लेख किया, साधारण श्रम शक्ति के स्वामी, दूसरा पूंजी के स्वामी तथा तीसरे भूस्वामी, जिनके आय के साधन क्रमशः मजदूरी, यानी कि जो साधारण श्रमिक शक्ति के स्वामी है उनकी आय का स्रोत है मजदूरी, दूसरे पूंजी के स्वामी उनका लाभ, और तीसरा जो भूस्वामी है वो भूमिकर होते हैं। इस प्रकार वेतन भोगी श्रमिक, पूंजीपति एवं भूस्वामी आधुनिक समाज के तीन बड़े वर्गों का निर्माण करता है जो उत्पादन की पूंजीवादी व्यवस्था पर निर्भर है। इस प्रकार मार्क्स ने वर्गों की व्याख्या उनकी आर्थिक संरचना के आधार पर की है, जिसके पीछे उसके वैज्ञानिक उद्देश्य रहे हैं। स्वयं मार्क्स ने अंतिम दिनों में लिखा कि उसने वर्ग और वर्ग संघर्ष की अवधारणा बुर्जुआ इतिहासकारों, विशेष रूप से फ्रांसीसी इतिहासकारों से ली है, किंतु वर्ग सिद्धांत के बारे में उसके योगदान को तीन प्रतियों के अंतर्गत रखा जा सकता है। वर्गों का अस्तित्व उत्पादन की विकास की कुछ निश्चित ऐतिहासिक अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। दूसरा, वर्ग संघर्ष असंभावी रूप से सर्वहारा वर्ग की तानाशाही को ले जाता है, और तीसरा, यह तानाशाही सभी वर्गों के विनाश तथा वर्ग विहीन समाज की प्राप्ति में एक संक्रमणकालीन अवस्था है। मार्क्स के वर्ग संबंधी विचारों से रेमंड एरन ने दो निष्कर्ष निकाले हैं। एक सामाजिक वर्ग वह है जो उत्पादन की प्रक्रिया में एक निश्चित स्थान रखता है। उत्पादन प्रणाली के स्थान के दो अर्थ हैं, एक उत्पादन की तकनीकी की प्रक्रिया में स्थान, दूसरा वैधानिक प्रक्रिया के स्थान जो कि तकनीकी प्रक्रिया पर थोपी हुई होती है। पूंजीपति जो कि उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, श्रमिक का संगठनकर्ता भी होता है, वही तकनीकी प्रक्रिया का स्वामी भी होता है, तथा वैधानिक स्थिति के कारण
उत्पादकों से अतिरिक्त मूल्य भी प्राप्त करता है। पूंजीवाद के विकास के साथ साथ वर्ग संबंध भी सरल होते जाते हैं। वास्तव में जब आय के दो स्रोत श्रम में लाभ होते हैं तो समाज में केवल दो ही बड़े वर्ग रह जाते हैं, श्रम शक्ति के मालिक श्रमिक श्रम वर्ग तथा वर्ग तथा पूंजीवादपति जो कि अतिरिक्त मूल्य को हड़पते हैं। औद्योगिकीकरण में भूमिकार पर आश्रित भूस्वामी वर्ग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। मार्क्स का मौलिक विचार ये था कि पूंजीवादी समाज में श्रमिकों एवं पूंजीपतियों में अपने अपने स्वार्थों को लेकर टकराव पाया जाता है, जो कि ऐतिहासिक विकास के साथ साथ सरल रूप धारण करता जाता है। मार्क्स समाज में वर्गों की बहुलता के प्रति भी सचेत थे। मार्क्स वर्ग तथा सामान्य सामाजिक समूह को एक ही नहीं समझने के प्रति भी हमें आगाह करता है। मार्क्स ने समाज में केवल दो वर्गों पूंजीपति एवं श्रमिक वर्ग का उल्लेख अपने राजनीतिक एवं ऐतिहासिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया है। यह दोनों ही वर्ग समाज कैसा होना चाहिए के बारे में प्रश्न विरोधी धारणाएं रखते हैं। उनमें सामुदायिक चेतना और सामान्य की इच्छा भी पाई जाती है। मार्क्स ने वर्ग की धारणा को तीन दृष्टि से देखा। आर्थिक दृष्टि से, जिसमें वर्गों का निर्माण आय के स्रोतों के आधार पर होता है, और इस दृष्टि से प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, पूंजीपति एवं श्रमिक, जो परस्पर संघर्ष रहते हैं, और इस वर्ग संघर्ष का अंत एक वर्गहीन और साम्यवादी समाज की स्थापना के रूप में होगा। ऐतिहासिक दृष्टि की बात करें तो मार्क्स ने मानव इतिहास में पाए जाने वाले विभिन्न वर्गों, उनकी प्रकृति और संख्या तथा राजनीतिक घटनाओं में उनके प्रभाव का उल्लेख किया है। और तीसरा जो वर्ग की धारणा के बारे में तीसरी दृष्टि हमारे की हुआ है मनोवैज्ञानिक दृष्टि। मार्क्स में वर्गों में पाए जाने वाले एकता और चेतना तथा उनकी क्रिया शक्ति को महत्व देता है। उनका विश्वास है कि सर्वहारा वर्ग एक क्रांतिकारी वर्ग है जो भविष्य में पूंजीवाद को समाप्त कर देगा और नए समाज की स्थापना करेगा जिसमें राज्य नहीं होगा, अर्थात राज्य विहीन समाज होगा। उत्पीड़न, असमानता तथा श्रमिकों का शोषण भी नहीं होगा और समानता का साम्राज्य होगा। मार्क्स वर्गों का आधार सामाजिक या धार्मिक नहीं मानते। मार्क्स के अनुसार वर्गों का आधार आर्थिक होता है। मार्क्स लिखते हैं, सामाजिक वर्ग ऐतिहासिक परिवर्तन की इकाइयों तथा आर्थिक व्यवस्था द्वारा समाज में निर्मित दोनों ही है। मार्क्स कहते हैं, साधारण व्यक्ति एक सामाजिक प्रणाली है, किंतु अधिक स्पष्ट रूप से यह एक वर्ग प्रणाली है। प्रत्येक युग में जीविका उपार्जन के लिए कोई न कोई साधन अवश्य ही प्रचलित रहे हैं। साधनों की भिन्नता के कारण मनुष्य विभिन्न वर्गों में विभाजित रहे हैं तथा उनमें वर्ग चेतना भी पाई जाती है। इस प्रकार मार्क्स के अनुसार वर्ग का जन्म उत्पादन के साधनों पर निर्भर है। जैसे जैसे उत्पादन के साधनों में परिवर्तन होता जाता है, वैसे ही नए वर्गों का जन्म होता है। इस प्रकार एक युग में प्रचलित उत्पादनों की प्रणाली ही उस समय के वर्गों की प्रकृति को तय करती है। मार्क्स की व्याख्या के अनुसार वर्ग ऐसे लोगों के समूह को कहेंगे जो अपनी जीविका का एक ही ढंग से कमाते हैं। इस प्रकार सामाजिक वर्गों का आधार ऐतिहासिक है। जब हम वर्ग संघर्ष की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर विचार करें तो हम कहेंगे कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। मार्क्स ने सभी युगों और समाजों की वर्ग व्यवस्था को विद्यमान मानते हुए आदिम समावधि समाज से लेकर अब तक के समाज को चार भागों में बांटा। पहला आदिम साम्यवादी समाज, जिसमें जो इतिहास का प्रथम युग था, इसमें लोग गोत्र पर आधारित कबीलों और समुदायों में रहते थे और एक गोत्र और कबीलों का एक भूक्षेत्र और भाषा ही होती थी। उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि समूह गोत्र और कबीले का स्वामित्व होता था। उत्पादन और वितरण की साम्यवादी तरीका प्रचलित था। सब लोग मिलकर उत्पादन का कार्य करते थे। सामूहिक भ्रम के कारण उत्पादन के साधनों उत्पादित वस्तुओं पर समूह के सभी लोगों का संयुक्त स्वामित्व था तथा व्यक्तिगत अधिकार के अभाव के कारण
न तो कोई किसी का शोषण करता था और न ही कोई वर्ग व्यवस्था थी। समाज में श्रम विभाजन लिंग भेद के आधार पर पाया जाता था, इसलिए स्त्री और पुरुष भिन्न भिन्न कार्यों को संपन्न करते थे। इस प्रकार से आयु भेद के आधार पर भी बालक युवा वर्गों में विभाजन पाया जाता था। जो दूसरा समाज में वर्ग देखने को मिला वह दासत्व युग था, जिसमें धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। दास मुल्क समाज की स्थापना हुई, जिसका प्रश्न मध्यकालीन यूरोप में देखने को मिला। इस युग में मनुष्य कृषि कार्य, पशुपालन और दस्तकारी करने लगा। समाज में निजी संपत्ति के विचारों का उदय हुआ। श्रम विभाजन की परंपरा बढ़ी। यह युग अपने पूर्व युग से बिल्कुल भिन्न था, क्योंकि सामाजिक उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व के स्थान पर कुछ लोगों का स्वामित्व हो गया था। उत्पादन के साधनों पर समुदाय के कुछ लोगों का स्वामित्व था, इनका अपना एक वर्ग बन गया, जिसे दास स्वामी कहा जाने लगा। तीसरा जो वर्ग देखने को मिला वह था सामंत युग। तीसरा जो युग था वह सामंत युग था। इस युग के उत्पादन के साधनों पर सामंतों का अधिकार होता था। यह सामंत उत्पादन के साधनों विशेषतः भूमि के स्वामी होते थे। गरीब और दास किसान इन सामंतों के अधीन थे। उत्पादन का कार्य इन्हीं भूमिहीन किसानों से करवाया जाता था। किसान दास नहीं था, पर उन पर अनेक प्रकार के बंधन थे। इन्हें सामंतों की भूमि की जुताई बुआई आदि करनी पड़ती थी। और चौथा जो युग है वह आधुनिक युग, आधुनिक पूंजीवादी युग। चौथा युग आधुनिक पूंजीवादी युग है। इस युग का प्रादुर्भाव मशीनों के आविष्कार तथा बड़े बड़े उद्योग धंधों के जन्म के फलस्वरूप हुआ। इस युग के उत्पादन के साधन पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है। उत्पादन कार्य करने वाले दूसरा वर्ग वेतनभोगी श्रमिक वर्ग व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होता है। इस कारणदासों की बातें उन्हें पूंजीवादी लोग बेच या मार तो नहीं सकते, परंतु उत्पादन के साधनों का कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार मार्क्स ने समाज में चार प्रकार के वर्गों की चर्चा की। धन्यवाद।